आप देख रहे हैं TNB। IPL 2022 की मेगा नीलामी बेंगलुरु में हो रही है। नीलामी के पहले दिन 161 खिलाड़ियों की बोली लगनी है। ऑक्शन के दौरान एक अप्रिय घटना भी घटी, जब नीलामी प्रक्रिया को संचालित कर रहे ह्यूज एडमिडस की तबीयत बिगड़ गई। एडमिडस स्टेज पर ही गिर गए। उस समय वानिंदु हसारंगा की बोली लग रही थी। ह्यूज ब्रिटिश इंटरनेशनल ललित कला क्लासिक कार और चैरिटी के नीलामी करता है। क्रिस्टी के नीलामी करता के रूप में उन्होंने 35 साल के करियर में 2500 से अधिक नीलामियों का आयोजन किया, जिसमें 2.7 बिलियन पाउंड से अधिक की राशि के लिए 3,10,000 से अधिक लॉट की बिक्री हुई। ह्यूज ने ओल्ड मास्टर इम्प्रेशनिस्ट एंड कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स, फाइन फर्नीचर, चाइनीज सेरामिक्स सहित कई तरह की वस्तुओं की बिक्री की है। 2004 में ह्यूज ने एरिक क्लैप्टन से संबंधित 88 गिटार की नीलामी की, जिसमें कुल 74 लाख पाउंड से ज्यादा की राशि जुटाई गई। अपनी ललित कला की बिक्री के साथ साथ ह्यूज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी फंडिंग जुटाने वालों के लिए एक बहुत डिमांड वाली नीलामी करता है। उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए 97 मिलियन पाउंड से अधिक की राशि जुटाने में मदद करने के लिए 850 से अधिक सेल्स आयोजित किया है। उनके चैरिटी कार ने उन्हें दुबई, हांगकांग, कैसाब्लांका, न्यूयॉर्क, मुंबई, मोंटे कार्लो, लॉस एंजलिस और टोक्यो सहित 30 से अधिक शहरों में जा चुके हैं। 2005 में उन्हें चिल्ड्रन इन नीड की सहायता के लिए BBC की टेलीविजन सेलिब्रिटी नीलामी आयोजित करने के लिए चुना गया था। 2008 में वह लंदन में नेल्सन मंडेला के 90वें बर्थडे गाला में नीलामी करता थे, जिसमें कुल 4.3 मिलियन पाउंड में 8 लॉट बेचे थे। ह्यूज को क्रिस्टी के अंतर्राष्ट्रीय नीलामी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो एक वैश्विक भूमिका थी। इसमें न केवल ऑक्शन की प्रक्रिया को संचालित करना शामिल था, बल्कि 70 मौजूदा नीलामीकर्ताओं के चल रहे मूल्यांकन और नए लोगों की पहचान और प्रशिक्षण का जिम्मा भी सौंपा गया था। 2016 में उन्होंने एक स्वतंत्र नीलामीकर्ता बनने के लिए क्रिस्टीज में अपनी पूर्णकालिक भूमिका से पीछे हट गए। इसने ह्यूज को अधिक चैरिटी नीलामी आयोजित करने और अन्य नीलामी घरों के साथ अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने का अवसर दिया है। दिसंबर 2008 में ह्यूज को भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI ने 2019 इंडियन प्रीमियर लीग के लिए नीलामीकर्ता के रूप में नियुक्त किया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।